हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज संडे है और जिस तरह की मैं हमेशा संडे को आपको एक वीडियो देता हूं, आज आप लोगों के बारे में इस संडे में बात करेंगे। जो बच्चे मुझे कमेंट भेजते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एक बच्ची थी जो मुझे कमेंट की थी कि सर अगर आप हंसा हंसा कर पढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा लगता, पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता। तो इस तरह का उनका भी कहना सही है, कई सारे टीचर ऐसे होते हैं जो पढ़ाने के दौरान काफ़ी हंसाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन कहते हैं कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। हालांकि मैं यहाँ पे वीडियो में जो है उस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है, लेकिन जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो वहाँ कई सारे बच्चे रहते हैं और बच्चों से कुछ ऐसा सवाल पूछ लेता हूँ जिसका वो जवाब देते हैं और कुछ हंसी मजाक सा हो जाता है। इस तरह का होता है लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बीच बीच में ऐसी वीडियो देता रहता हूँ, जैसे कि मैं जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ उन बच्चों को मैं अपने घर बुला लिया करता हूँ और उन लोग के साथ कुछ ऐसा वीडियो जो है थोड़ा हंसी मजाक हो जाए उस तरह का वीडियो मैं बना लेता हूँ और उन लोग को भी अच्छा लगता है। तो इस बार हम लोग होली से पहले एक वीडियो बनाने वाले हैं। हालाँकि बच्चों ने कुछ तैयारी किया है या क्या किया है पता नहीं, लेकिन उसी दिन पता चलेगा जब वो आएंगे। कुछ मैं बतलाऊँगा, कुछ वो करेंगे इस तरह का। और एक बच्चा मुझे कमेंट किया हुआ था, कुछ भी इस तरह का हो जाता अचानक सा उसके मन में आया होगा। अब 11 बजे 12 बजे रात को अचानक सा कमेंट कर देता, सर मुझे ये चैप्टर चाहिए, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए और अभी चाहिए, इस तरह का हो जाता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अचानक से कुछ भी चीज़ जो है तुरंत बना के क्रिएट करके देना मुश्किल है। कोई ऐसा तो है नहीं मेरे पास जादू की छड़ी है घुमाया और ये बन गया, वैसा भी नहीं है। उसके बाद एक बच्चा इस तरह का कमेंट किया हुआ था, बार बार उसका कमेंट आ रहा था, सर मैं एफएफ लवर हूँ और उस समय मुझे पता नहीं चल रहा था कि एफएफ लवर क्या होता है। तो फिर मैंने जो ट्यूशन पढ़ाते हैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उससे पूछा, तो एफएफ का मतलब समझ में आया कि ये कोई मोबाइल में गेम होता है, वीडियो गेम फ्री फायर, उसके बारे में बात कर रहा। तो फिर वो बच्चे लोग जो है जिसको पढ़ाता हूँ वे लोग भी बोल रहे थे कि मैं भी तो खेलता हूँ। तो कई सारे बच्चे आज के डेट में जो है ये एफएफ मतलब फ्री फायर जो है खेलने में व्यस्त रहते हैं बहुत सारे। बाद में मुझे पता चला कि कई सारे बच्चे जो हैं, और कभी भी मैं रास्ते में आता जाता हूँ तो कई सारे बच्चे ग्रुप बना के खड़ा रहते हैं, कोई देख रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कई सारा बातें बोल रहा है कि इधर ले जाओ, उसको मारो, ये करो, इस तरह की बातें होता है। इस तरह का मोबाइल में कई सारे गेम आ गए हैं, एक पबजी हो गया, पबजी मैं सुनता हूँ, और एफएफ फ्री फायर, ये दो गेम बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं बच्चों के मुँह से मैं सुनता हूँ। बच्चे काफ़ी उसमें व्यस्त रहते हैं, अपना समय उसमें देते हैं। और बीच बीच में जब मैं बगल में एक दुकान है वहाँ पे मैं रिचार्ज करवाने के लिए जब जाता हूँ तो वो जो दुकानदार है उसने मुझे बताया था कि बच्चे ऐसे होते हैं मतलब गेम में इतने डूब जाते हैं कि अपने मोबाइल में 1000-2000 का रिचार्ज करवाते हैं, किसी भी मतलब स्थिति में उसका गेम छूटना नहीं चाहिए, ऐसा स्थिति रहता है। और तो और एक बच्चा जो मेरे ट्यूशन में पढ़ता है, 2019 की बात है, वो अपने किसी दोस्त के कहने पर अचानक से जो है घर में चोरी कर लिया और चुपचाप से जाकर बाजार से एक मोबाइल लेके आ गया। अब चुपके चुपके वो रखता था, हालांकि बाद में तो पकड़ा गया और उसके मम्मी पापा उसको डांटे, मैं भी डांटा, लेकिन उससे मारा नहीं जा सकता है। अब काफ़ी बड़ा हो गया है, उम्र तो कम है लेकिन बच्चे का हाइट जो है मेरा इतना बड़ा हो ही गया है। इस तरह की कई सारी घटनाएं आए दिन होते रह रहा है। बच्चों को मोबाइल दिलाने में कोरोना वायरस का बहुत बड़ा हाथ है, ये जो इसके वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होने के बाद स्कूलों में पढ़ाई बंद हो गया, ऑनलाइन पढ़ाई होने लगा और वैसी स्थिति में उन्हें मोबाइल चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज जो उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। तो उसको जो है पर्सनली किसी, कई बच्चे जो है उसको पर्सनली मोबाइल मिल गया, कई बच्चे घर का मोबाइल यूज करते हैं, पढ़ाई जो होता है वो होता ही है, उसके बाद फिर वो गेम में लग जाते हैं। तो मैं उन बच्चों से विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा समय आप मोबाइल पर गेम खेलने में ना बिताएँ। हाँ, अगर आपको खेलना है तो आप आउटडोर गेम खेलिए, आउटडोर गेम खेलने से आपका शरीर फिट रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और लगातार ये वीडियो गेम खेलने से आपकी आंखें कमज़ोर हो सकती है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आपका पढ़ाई भी नहीं होगा। और आउटडोर गेम खेलने से आपका शरीर मजबूत रहेगा और मजबूत शरीर रहेगा तो अगर आने वाले समय में आप आर्मी का तैयारी करते हैं या पुलिस का तैयारी करते हैं, किसी तरह का इस तरह का रेलवे वगैरह के भी डी ग्रुप का भी तैयारी होता है, आप आउटडोर गेम खेलिए, क्रिकेट खेलिए, ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे लगे रहते हैं जो सब कुछ छोड़ के वीडियो गेम पे लगे रहते हैं, क्रिकेट खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए, इस तरह का कोई भी ऐसा गेम खेलिए जिससे आपका शरीर एक्टिव रहे और आप स्वस्थ रहें। आपको पढ़ाई भी करना है बढ़िया से तो आपको स्वस्थ रहना होगा, अस्वस्थ आदमी नहीं पढ़ सकता।
आप ऐसा कोई काम मत कीजिए कि आने वाले समय में आप किसी के लिए बोझ बन जाए। आप ऐसा काम कीजिए कि आने वाले समय में आप 10 आदमी 5 आदमी को आप मदद कर सकें, ना कि आप किसी के ऊपर बोझ बन जाए और आपको संभालना पड़े। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करेगा और आपको एक सही राह चुनने में मदद करेगा। मैं फिर से आप लोगों से नेक्स्ट संडे को मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।